some major minerals and their characteristics. Pehla hai feldspar. Silicon and oxygen are the common elements in all types of feldspar and sodium. Abhi silicon aur oxygen jo hain ye common elements hain jo har tarah ke feldspar mein paaye jaate hain. Sodium, potassium, calcium, aluminium etc. are found in specific feldspar variety. और फिर ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें भी जो है कुछ स्पेसिफिक फेल्डस्पार की जो वैरायटी है वो मिलती है. हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पार. आधे से ज्यादा अर्थ का क्रस्ट जो है उसमें फेल्डस्पार मिलेगा. इट हैज लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर. इसका जो रंग है वो लाइट क्रीम से सैल्मन पिंक जैसा होता है. इट इज यूज्ड इन सिरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग. इसका इस्तेमाल ज्यादातर सिरेमिक्स और ग्लास मेकिंग के लिए किया जाता है. क्वार्ट्ज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट. क्वार्ट्ज जो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट माना गया है सैंड का और ग्रेनाइट का. इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका. इसमें भी सिलिका होती है. इट इज अ हार्ड मटेरियल मिनरल वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. ये एक तरह का हार्ड मिनरल है जो की पानी में घुलनशील नहीं है. इट इज व्हाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो और रडार. ये या तो व्हाइट कलर का होता है या इसमें कोई कलर नहीं होता है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल रेडियो या रडार में किया जाता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट. इसे सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट माना गया है ग्रेनाइट का. फिर है पायरोक्सीन. पायरोक्सीन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन एंड सिलिका. पायरोक्सीन में जो है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और सिलिका है. पायरोक्सीन फॉर्म्स 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब पायरोक्सीन भी जो है लगभग 10% बनाता है अर्थ के क्रस्ट का. इट इज कॉमनली फाउंड इन द मेट्रोइड्स. ये ज्यादातर मेट्रोइड्स में पाया जाता है. इट इज ग्रीन और ब्लैक कलर. या तो ये ग्रीन कलर का है या फिर ब्लैक कलर का. एम्फीबोल, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एम्फीबोल्स. अब एम्फीबोल्स क्या हो गए, इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम ये सब मेजर एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं. दे फॉर्म 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट. ये लोग मिलकर 7% जो है अर्थ क्रस्ट बनाते हैं. इट इज इन ग्रीन और ब्लैक कलर एंड इज यूज्ड इन एस्बेस्टस इंडस्ट्री. ये ज्यादातर ग्रीन या ब्लैक कलर के होते हैं और इनको एस्बेस्टस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है. हॉर्नब्लेंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबोल्स. हॉर्नब्लेंड जो है वो भी एक अलग फॉर्म है एम्फीबोल्स की. माइका, इट कंप्राइजेस ऑफ पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन सिलिका एटसेट्रा. अब माइका जो है इसमें भी पोटेशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन और सिलिका भी. इट फॉर्म्स 4% ऑफ अर्थ क्रस्ट. अब ये 4% है अर्थ क्रस्ट पे. इट इज कॉमनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ज्यादातर ये आपको इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेगी. इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इनका इस्तेमाल हम ज्यादातर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं. ओलिवाइन, मैग्नीशियम आयरन एंड सिलिका आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ ओलिवाइन. अब ओलिवाइन में मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम आयरन और सिलिका. इट इज यूज इन ज्वेलरी. इसका इस्तेमाल ज्वेलरी में किया जाता है. इट इज यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल ऑफन फाउंड इन द बेसाल्टिक रॉक्स. अब ये जो है एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल है जो की ज्यादातर बेसाल्टिक रॉक्स में पाया जाता है. बिसाइड दीज मेन मिनरल्स अदर मिनरल्स लाइक क्लोराइड कैल्साइट मैग्नेटाइट हेमेटाइट बॉक्साइट एंड बेराइट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम क्वांटिटीज इन द रॉक्स. इनके अलावा कुछ और भी मिनरल्स हैं जैसे क्लोराइड कैल्साइट मैग्नेटाइट हेमेटाइट बॉक्साइट और बेराइट. ये सभी आपको जो है कुछ कुछ मात्रा में रॉक्स में मिल जाएंगे. अब बात करते हैं मेटालिक मिनरल्स की और नॉन मेटालिक मिनरल्स की. तो पहले है मेटालिक मिनरल्स. दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट्स एंड कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स. मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल कंटेंट होते हैं, यानी मेटल्स की क्वालिटीज ज्यादा होती हैं और इनको हम 3 ग्रुप्स में या 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. प्रेशियस मेटल्स, फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स. प्रेशियस मेटल्स यानी जो कीमती होते हैं काफी, जैसे कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एक्सेट्रा हो गए. फेरस मेटल्स वो होते हैं जिनमें जंग लग जाती है, जैसे कि आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील. आयरन और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आयरन के साथ मिक्स किए जाते हैं ताकि अलग अलग तरह की स्टील बनाई जा सके. नॉन फेरस मेटल्स होते हैं इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर लेड जिंक टिन एल्यूमिनियम एटसेट्रा. नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें मेटल्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि कॉपर लेड जिंक टिन एल्यूमिनियम एटसेट्रा. इनमें जंग कम लगती है. नॉन मेटेलिक मिनरल्स. दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट. नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल कंटेंट बिल्कुल नहीं होता.
सल्फर, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसी तरह जो हमारा सीमेंट बनता है वो एक तरह से कह सकते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मिक्सचर है। रॉक्स, अब हम बात करते हैं रॉक्स की। द अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक्स। ये जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है ये रॉक से मिलके बना है। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। अब रॉक क्या है? रॉक भी कॉम्बिनेशन है एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स। रॉक हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, अलग अलग कलर्स की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज हार्ड, सोप स्टोन इज सॉफ्ट। अब एक तरफ ग्रेनाइट जो है वो हार्ड होता है, सोप स्टोन जो है वो सॉफ्ट होता है। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्साइट कैन बी मिल्की वाइट। गैब्रो जो है वो ब्लैक कलर की रॉक है जबकि क्वार्ट्साइट जो है वो बिल्कुल मिल्की वाइट है। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनका रॉक्स का जो है कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता कि इसके अंदर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं। फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। ज्यादातर रॉक्स में फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो है ऐसे कॉमन मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं। पेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रॉक्स। अब हम साइंस ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। अ पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। अब पेट्रोलॉजिस्ट जब किसी रॉक की स्टडी करता है तो उसके सब एस्पेक्ट्स पे स्टडी करता है, जैसे कि मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अकरेंस, ऑल्टरेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स। इन सब की चीजों को वो ध्यान में रख के तब किसी रॉक की स्टडी करते हैं कि वो उसका मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा है, उसका टेक्सचर छिपने में कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, कहाँ पर वो दिख पाई जाती है, कैसे अकर करती है, कुछ उसमें बदलाव होते हैं, उसके बाकी रॉक्स के साथ कैसा रिलेशन रहता है। As there is a close relation between rocks and landforms, rocks and soils, a geographer requires basic knowledge of rocks. अब क्योंकि rocks और landforms, rocks और soils इन सब के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, इसलिए जो भी geographer है उसे basic knowledge rocks की होनी बहुत जरूरी है। There are many different kinds of rocks which are grouped under three families on the basis of their mode of formation. अब अलग अलग तरह की बहुत सारी रॉक्स होती हैं जिनको कि हम ग्रुप करते हैं तीन फैमिलीज के बेसिस पे, उनका किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है उसके में हम तीन फैमिलीज इंक्लूड करते हैं। जैसे कि पहली हो गई इग्नियस रॉक्स, सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स हैं जो कि जब ज्वालामुखी फटता है उसमें जो मैग्मा और लावा निकलता है वो जब ठोस होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हुई? वो रॉक्स हैं जो कि जमा होती है, सेडिमेंट मतलब एक तरह से जमा होती जा रही है, डिपोजिशन हो रहा है। जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जब वो कहीं से भी बहकर आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, उखड़ जाते हैं और फिर एक जगह आके जमा हो जाते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड बाय द आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो रॉक्स होती है जो पहले से जो रॉक्स एग्जिस्ट कर रही है उनमें से बनती है, एक तरह से उनको दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो उनकी वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक्स की। As igneous rocks formed out of magma and lava from the interior of the earth, they are known as primary rocks. अब क्योंकि ये जो igneous rocks हैं, ये magma और lava जो कि धरती के अंदर से निकल रहा है उससे बनती हैं, इसलिए उनको हम primary rocks कहते हैं। The igneous rocks are formed when magma cools and solidifies. ये igneous rocks तब बनती हैं जब जो magma है हमारा वो ठंडा होता है और ठोस हो जाता है। You already know what magma is. आप जानते हो magma क्या है? When magma in its upward movement cools and turns into solid forms, it is called igneous rocks. जब magma जो है अपने ऊपर की तरफ से जो है ठंडा होता जाता है और solid में बदलता जाता है, ठोस होता चला जाता है, तो हम उसे igneous rock कहते हैं। The process of cooling and solidification can happen in the earth crust or on the surface of the earth. अब ये जो process है cooling का, ये तो या तो या ठंडा होना, solid होना, ये depend करता है या तो वो earth क्रस्ट में ही ऐसा हो जाए या फिर जो सरफेस है अर्थ की उस पे होता है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टेक्सचर। अब इग्नियस रॉक्स को हम फिर क्लासिफाई करते हैं उनके टेक्सचर के बेसिस पे। टेक्सचर डिपेंड्स ऑन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल्स। टेक्सचर क्या है? डिपेंड करता है कि साइज कैसा है या जो ग्रेन्स है यानी उस पे जो चीजें पाई जाती है उनका अरेंजमेंट कैसा है या और बाकी फिजिकल कंडीशंस कैसी है मटेरियल्स की। If molten material is cooled slowly at great depths, mineral grains may be very large. अब अगर molten material जो है वो बहुत देर में ठंडा हो रहा है जहाँ बहुत ज्यादा गहराई है
तो इसका मतलब वहां पर जो मिनरल के ग्रेन्स हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। सडन कूलिंग रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स, अगर एकदम से ठंडा हो जाए तो समझ लो वहां पर छोटे छोटे और चिकने चिकने स्मूथ ग्रेन्स हैं। इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ द ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक, अगर यहीं पर ना बहुत जल्दी ना बहुत देर से बीच की कंडीशंस रहती हैं कूलिंग की, तो इसका मतलब जो ग्रेन्स का साइज है जो इग्नियस रॉक्स बना रहे हैं वो इंटरमीडिएट साइज के बीच के साइज के, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। ग्रेनाइट गैब्रो पैग्माटाइट बेसाल्ट वॉल्केनिक ब्रिसिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अभी जो एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे इग्नियस रॉक्स के वो है ग्रेनाइट गैब्रो पैग्माटाइट बेसाल्ट वॉल्केनिक ब्रिसिया और टफ, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक्स के। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम विच मीन्स सेटलिंग। अब ये जो हमारा वर्ड है सेडिमेंट्री ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से जिसका मतलब है सेटल होना। रॉक्स इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डिनंडेशनल एजेंट्स एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइजेस ऑफ फ्रैगमेंट्स। ये जो भी हमारी रॉक्स हैं अर्थ सरफेस पे चाहे इग्नियस हो सेडिमेंट्री हो मेटामॉर्फिक्स हैं, ये उन एजेंट्स के लिए पूरी तरह से खुली हुई होती हैं, यानी जो उनको एक्सपोज करते हैं उनको उड़ा देते हैं तोड़ देते हैं हटा देते हैं, जैसे पानी हो गया हवा हो गई और फिर ये जो है टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposited. फिर ये जो fragments हैं ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये अलग अलग जगहों पर transport हो जाते हैं बह जाते हैं उड़ जाते हैं जो अलग अलग हमारी इस तरह की agencies हैं हवा पानी जो भी बह के आता है उसके साथ बह जाते हैं उड़ जाते हैं और फिर deposit हो जाते हैं। These deposits through compaction turn into rocks. अब धीरे धीरे ये जमते जाते हैं आपस में एक ठोस होते चले जाते हैं और फाइनली रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं। इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ द डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। कुछ ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं या बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें ये जो लेयर्स होती हैं डिपॉजिट की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज रहती हैं कितना भी लिथिफिकेशन हो जाए तब भी। Hence we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone, shale, etc. अब इसीलिए हमें जो layers हैं उनमें अलग अलग तरह की thickness मिलती है sedimentary rocks में जैसे कि sandstone हो गया या shale हो गया। Depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into three major groups. अब ये depend करता है कि ये किस तरीके से बनी है उसमें sedimentary rocks को हम तीन major groups में भाग सकते हैं। Mechanically formed जैसे उसमें आते हैं सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट्स लाइमस्टोन शेल एक्सेट्रा। फिर है ऑर्गेनिकली फॉर्म जैसे गेसराइट चौक लाइमस्टोन कोल ये हो गए और केमिकली फॉर्म चर्ट लाइमस्टोन हेलाइट पोटैश इसके एग्जांपल हो गए। तो एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स भी तीन तरह के फॉर्मेशन पर बनती है मैकेनिकली ऑर्गेनिकली और केमिकली, उसके बेसिस पे उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं।